भगवान जो है ना स्वयं उन्होंने अवतार लिया भक्त के रूप में, स्वयं वो भक्त के रूप में आए, अपने ही भक्त के रूप में उन्होंने जन्म लिया बंगाल में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और सची माता के घर में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का आगाज किया। ये जो संकीर्तन आंदोलन है, आप विष्णु सहस्रनाम के फल स्तुति में आप जाएंगे तो उसमें 3 श्लोक हैं जिसके आधार पे ये संकीर्तन आंदोलन का आगाज हुआ। पहला, वनमाली गधि सांखी संखी चक्री चनंद की श्रीमन नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतो। ये पुकार जो है उत्तरा की थी, जब अश्वत्थामा ने उसके गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो उस समय पे उस उत्तरा की पुकार थी कि हे नारायण, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो बताते हैं कि भगवान वो ब्रह्मास्त्र जो है गर्भ में प्रवेश कर गया, और भगवान को गर्भ में प्रवेश करना पड़ा, और गर्भ में प्रवेश करने के बाद उन्होंने परीक्षित को अपनी सुरक्षा में ले लिया और उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने स्वयं ग्रहण किया, जिसके वजह से उस संतान का नाम परीक्षित हुआ। परीक्षित का मतलब है जिसने परीक्षा दी, जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तो उत्तरा का जो गर्भ था वो भी बहुत महान गर्भ था, क्योंकि वहाँ पे उस संतान ने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए, और वही परीक्षित जो है इस कली काल के अंत का आरंभ भी उसी से हुआ और इस कली काल का निधान भी उसी से हुआ। ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि अंत कब हुआ, जब उन्होंने धौम्य ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों डाला उन्होंने इसलिए डाला क्योंकि वहाँ पे मानव जीवन के जो विडंबना है, प्यास लगी और आसपास में कोई व्यक्ति दिखा नहीं, वहाँ पे धौम्य ऋषि दिखे तपस्या करते हुए। उन्होंने 2 बार आवाज दिया मगर धौम्य ऋषि ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो लीन है, ब्रह्म में लीन है। तो जब उन्होंने आवाज़ सुना नहीं तो उन्होंने उनके गले में वो मरा हुआ सांप डाल के गुस्से में वहाँ से निकल गए। तो मगर जैसे ही वो निकले उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्होंने ऋषि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मरा हुआ सांप ही डाला उनके गले में, है ना। मगर एक बालक, धौम्य ऋषि का बालक श्रृंगी बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तो उसके एक बालक मित्र उसके पास दौड़ के आता है और बोलता है, श्रृंगी तुझे पता है तेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। तो बोला, किसने डाला? बोले, वो परीक्षित महाराज हैं जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उन्होंने डाल दिया। तो बालक है, बालक बुद्धि है, उसके अंदर इतना विवेक नहीं है, तो उसने तुरंत, है ना, अपने दांतों के बीच अपने नीचे के होंठ को दबाते हुए उसको इतना क्रोध आया और उस क्रोध में उसने बोला कि 7 दिन और 7 रात में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक के उसी सांप के डसने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने श्राप दे दिया, श्राप दे डाला। जैसे ही धौम्य ऋषि को पता चला कि उसने समिक ऋषि को जैसे ही पता चला, उन्होंने तुरंत अपने बेटे को श्राप दे डाला, बोला कि ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को तुमने श्राप दे दिया जो उसके अंदर एक कमी थी,
उसके अंदर एक कमी थी, उससे प्यास नहीं बर्दाश्त हुई, उसने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, तुमने तो उसे मृत्यु दंड दे दिया, जिसके वजह से हजारों करोड़ों लोग अब कलयुग के चंगुल में मरेंगे, और इसका श्रेय तुमने मेरे सर पे डाल दिया। तो ये तुमने इतना बड़ा पाप मेरे सर पे डाल दिया है, मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊंगा। तो बताते हैं कि एक जो राज ऋषि होता है, उससे कभी कभार अनायास राज्य करते समय एक आध गलतियाँ हो जाती हैं, जिसको एक जो ब्राह्मण होता है वो उस गलती को अलग करके उनको एक शिक्षा देके आगे बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि एक परिवार को चलाना, एक राज्य को चलाना आसान बात नहीं है, उसमें कई हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, बच्चे को झूठ बोलना पड़ता है। नहीं बोलते आप लोग? बोलते हो? क्यों, किसके लिए बोलते हो? बच्चे को ठगने के लिए बोलते हो? नहीं, उसके 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 आगे की जिंदगी अच्छी सुधरे उस लिए बोलते हो, है ना। तो ये क्या है, क्योंकि ये भूलोक है, ये मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक में हमें ये बोलना पड़ता है, क्योंकि उसको भगवान के धाम लेके जाना है, उसके अंदर अच्छी शिक्षा देनी है। तो वहाँ पे समीक ऋषि श्रृंगी ऋषि को श्राप देते हैं और बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, मगर उसी श्राप को, ये श्राप चाहे तो परीक्षित महाराज इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, इस श्राप का विमोचन है परीक्षित महाराज के अंदर, क्योंकि वो तो उन्होंने तो भगवान के साक्षात्कार किए हैं, वो परपौत्र हैं, है ना। तो यानी कि उनके अंदर श्राप को खंडित करने का वो है, मगर उन्होंने श्राप को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? उन्होंने अपने राज्य को त्यागा, अपने पति पत्नी को त्यागा, और अपने जो सभा में जितने भी ब्राह्मण थे उनको बुलाया और बोला, जिस व्यक्ति की 7 दिन और 7 रातों में मृत्यु होने वाली है उसको क्या करना चाहिए, आप ब्राह्मण लोग हो, आप ज्ञानी हो, आप बताइए। ये एक राज ऋषि, एक राजा का कर्तव्य है कि वो ब्राह्मण के सामने अपना सर झुकाए। और जब उन्होंने ये पूछा तो सारे ब्राह्मणों का, सारे उनका मत ये था कि आपको गंगा के तट में जाकर सुखदेव गोस्वामी का इंतजार करना चाहिए, वही वो आके आपको क्या सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे, उनसे आप सवाल करिए, है ना। तो और सुखदेव गोस्वामी कौन? सुखदेव गोस्वामी वेद व्यास जी के पुत्र। वेद व्यास जी कौन है? यही विष्णु सहस्रनाम के पहले पंक्ति में आता है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। वो विष्णु जो है, विष्णु ही व्यास के रूप में आए, जिन्होंने वेदों को ग्रंथों के रूप में लिखा, क्योंकि भगवान के अलावा कोई ग्रंथ नहीं लिख सकता, तो भगवान स्वयं आए और उन्होंने लिखा। तो बोले कि भगवान के मुख से नहीं सुनना है, भगवान के मुख से नहीं सुनना है, क्योंकि भगवान के पास भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। कृष्ण प्रेम जो बोलते हैं, ये मानव जीवन का चरम सीमा है, ये तो कृष्ण प्रेम जो है ये मानव जीवन का चरम सीमा है, मगर ये कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण प्रेम जो है वो कृष्ण के भक्त के पास ही है। भगवान के प्रति प्रेम जो है वो भक्त के हृदय में है, भगवान के पास नहीं है। तो बोले कि सुखदेव गोस्वामी किसे सुनिए, क्योंकि वो 16 साल अपनी माँ के गर्भ में रहे और भगवान से तर्क करते रहे कि मैं नहीं निकलूंगा बाहर। तो भगवान बोले कि क्यों नहीं निकलोगे? बोले मैं बाहर निकलूंगा
तुम आप माता पिता के रूप से और बाकी रिश्तेदारों के मुख से मुझे इस संसार में बांध दोगे, मुझे नहीं बनना, मैं निकलूंगा ही नहीं। तो भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, तुम बंधोगे नहीं, तुम निकलो तो सही। वहाँ तक भगवान जो है, भगवान सुखदेव गोस्वामी क्या थे? ब्रह्मवादी। वो सिर्फ ज्योति स्वरूप को समझते थे, वो ब्रह्मवादी थे। तो 16 साल में वो प्रकट हुए और प्रकट होते हुए ही वह चलते बने घर से। जब जो चलते बने तो पीछे पीछे उनके पिता ने, उनकी माता ने बहुत आवाज़ लगाई, अरे इधर आओ सुखदेव, इधर आओ। सुनना ही नहीं। तो वहाँ पे वेद व्यास जी ने उनके पीछे दो अपने चुनिंदे शिष्यों को भेजा, बोला कि तुम जाओ इसके पीछे, और जब ये थक के एक पेड़ के नीचे बैठ जाएगा तो उस समय पे ये दो श्लोक सुनाना, है ना। तो पहला श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है, मगर मैं आधा लाइन सुनाऊंगा। अहो बकीयं स्तनकालकूटम, है ना। तो यहाँ पे इस श्लोक से वो बता रहे हैं कि जब कृष्ण 3 बरस के थे तो उस समय पे पूतना राक्षसी जो है उनको अपने स्तन से दूध पिलाने के लिए आई, मगर उस स्तन पे कालकूट का जहर लेप के आई और उसने कान्हा को मारने के लिए, वो दूध पिलाने के लिए वो आ गई, मगर कान्हा इतने दयालु, उन्होंने वो स्तनपान किया, उस स्तनपान के साथ उसका जहर भी पी लिया। और जैसे ही पूतना का जहर खत्म हो गया, पूतना मर गई, क्योंकि पूतना तो जहर से बनी हुई है। जब जैसे ही पूतना का जहर पी लिया और दूध पी लिया तो पूतना मर गई, और पूतना मर गई तो पूतना को धात्री का दर्जा दे दिया। धात्री का मतलब है पालने वाली माँ। ऐसा कौन सा भगवान है जो जहर पिलाने के लिए आई पूतना को भी धात्री का माँ का दर्जा दे दे। तो ये जब सुना तो सुखदेव गोस्वामी की आंखों से मूसलाधार बरसा, बारिश चालू हो गई। और फिर एक और श्लोक सुना तो वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बोले कि आगे सुनाओ। तो बोले कि आगे सुनना है तो पिता आपका इंतज़ार कर रहे हैं भागवत सुनाने के लिए, आप आइए भागवत सुन के जाइए। तो उन्होंने अपने पिता से पूरा भागवत सुना, भावपूर्ण भागवत सुना, और सुनने के बाद फिर वह अवधूत के रूप में फिर से निकल गए। तो अवधूत के रूप में निकल गए और वो गंगा के तट में जाते जाते एक झरने के पास, एक कुएं के पास आए, या झील के पास आए। वहाँ पे कुछ कन्याएं जो हैं अपने क्रीड़ाएं कर रही थी, और कन्याएं जब नहाती हैं तो वो नग्न नहाती हैं, है ना। तो वो नग्न नहा रही हैं, तो नग्न नहाते हुए सुखदेव गोस्वामी वहाँ से गुजरे, तो वह सारे जो है उसी अवस्था में बाहर आए और उनके चरणों में दंडवत करके फिर से नहाने चले गए, है ना। बोले कि हम पानी से नहा रहे थे, हमारे मल नहीं, हृदय का मैल नहीं जा रहा था, जैसे ही ऐसे महापुरुष के दर्शन हुए, उनके चरण स्पर्श से ही हम शुद्ध हो गए। मगर जैसे ही वहाँ पे उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी आए तो उन्होंने तुरंत उस वस्त्र से अपने आप को ढक लिया। तो जहाँ पे वेद व्यास पूछे कि ये क्या मजाक है, है ना, मेरा पुत्र 16 साल का युवक, है ना, वो निकला तो आप लोगों ने उनके चरण की धूल ली, और जब मैं निकल रहा हूँ तो आप तन ढक रहे हो, ये क्या है। तो वो सारी स्त्रियाँ बोली कि आपका पुत्र जब निकला तो उसकी आँखों में काम वासना नहीं थी, वह ना नारी को देख रहा है ना वह पुरुष को देख रहा है, वह सिर्फ परमात्मा को देख रहा है, वह भगवान को देख रहा है, जिसके वजह से उसके आँखों में रंच मात्र भी काम नहीं था। मगर आप जो हैं, आप पिता के
उसमें हैं, स्थान में हैं, और पिता के स्थान में आपको नर और नारी में भेद करना है, आपको सारे जीवों में भेद करना है, क्योंकि आपको शिक्षा देना है। तो उसके लिए हमें अपने आप को, तन को ढकना हमारे लिए आवश्यक है, ये हमारा कर्तव्य है। तो फिर उसके बाद उन्होंने परीक्षित महाराज को 7 प्रश्नों का उत्तर दिया। ये भागवत जो है वो 7 प्रश्नों का उत्तर है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। तो भागवत में जो अंत, जो अंतिम श्लोक है, पहला श्लोक क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपको ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा है तो आपको गुरु के चरण में जाने की आवश्यकता है। अगर आपको ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा नहीं है, आपको ब्रह्म में ही रहना है, तो फिर गुरु की आवश्यकता नहीं है, है ना। गुरु की आवश्यकता उसी व्यक्ति को है जो इस भवसागर को पार करना चाहता है ना, बोलते हैं। और उसको उसको प्राप्त करने का क्या तरीका है, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। एक ज्ञानी जो तत्वदर्शी है उसके चरणों में प्रेममयी सेवा करके, उसको प्रसन्न करके आप उससे परिप्रश्न पूछो। दो चीजें हैं इस संसार में, है ना, एक है परि और एक है परा और एक है अपरा। परा मतलब इस संसार से परे, अपरा मतलब जो इस संसार का है। तो उससे सवाल क्या पूछना है, ये नहीं पूछना है अरे महाराज जी घर में आटा खत्म हो गया है, बेटा मान नहीं रहा है, ये नहीं रहा है, ये नहीं पूछना है। ये पूछना है कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। 8 कष्ट हैं हमारे जीवन में, ये 8 कष्ट आप सब भुगत चुके हो मगर उसको स्वीकार नहीं करते। पहला क्या है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। रोज खाना बनाना पड़ता है, और रोज खाना बनाना पड़ता है तो रोज घर वालों से पूछते हैं आज क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं, पूछते हैं ना, आज क्या खाना पसंद करेंगे, है ना। तो इसी में आधा जीवन बीत जाता है ना, आहार, फिर उसके बाद निद्रा, कहाँ पे सोएंगे, आहार, निद्रा, भय, है ना, अरे अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, भय, है ना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। अब है ना बेटों का, अब नाती पोतों को कैसे देखेंगे, मतलब हम तो सर्कस में रहे ही रहे, तुम्हें भी सर्कस में डाल के डालेंगे, है ना, वरना ठंडक ही नहीं पड़ती। अरे तेरे को आटा दाल का भाव पता चलेगा तब तेरे को पता चलेगा, है ना, मतलब आटा दाल का भाव उसको क्यों बतवाना है कि आप, है ना, अपने अपने कष्टों को उसको महसूस करवाएं, क्यों करवाएं, है ना। फिर चार और क्या है, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। ये जन्म लेना ही पड़ेगा, जन्म बड़ा कठिनदायक है, है ना, जन्म देना और जन्म लेना दोनों ही कठिनदायक है। बताया क्या, कितने घंटे उल्टे उल्टे मल और मूत्र में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद जो गर्भस्थ स्त्री है उसको, उस बच्चे को निकालने के लिए, उस जीवन में उसकी अगर कभी चीख निकलती है तो उसी समय पर निकलती है। क्यों, क्योंकि उस समय पर इतना दर्द होता है ना, वो असहनीय दर्द होता है, मगर उसके बाद भी वह एक गर्भ नहीं, दो गर्भ नहीं, तीन गर्भ नहीं, वो गर्भ धारण करते ही रहती है। क्यों, क्योंकि पुरुष जो है उसके काम की कोई सीमा नहीं है, है ना, उसके वजह से उसको करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जन्म मृत्यु भी इतने ही दर्दनाक है ना, सब लोग मरेंगे, सबको पता है ना। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे पहला प्रश्न, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जीवन में, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सब लोग देख रहे हैं, ये मरा, मेरे पिता मरे, मेरी माँ मरी, मेरे सब कुछ मरे, मगर उसको लगता है कि वो नहीं मरेगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है ना, मृत्यु। फिर उसके बाद जरा और व्याधि, है ना, जरा मतलब यहाँ पे
जितनी भी माताएं हैं इसमें से है ना, कम 20% ऐसी माताएं हैं जो बुढ़ापे में बुढ़ापे की दहलीज में कदम रख चुकी हैं, है ना। और उनसे अगर हम पूछें कि आपको बुढ़ापा कैसा लगता है माताजी, है ना, तो उनके उनके मुख से कभी ये नहीं निकलेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। वो आनंद है ही नहीं, है ना, घुटने काम नहीं करते, दर्द होता है ना, आँखों में दर्द होता है ना, कुछ चला नहीं जाता है, खाने को हजम नहीं किया जाता है, और तो बुढ़ापे को कौन बोलेगा हाँ, है ना, बुढ़ापा और बीमारी। अब देखो अभी दो ढाई साल से ये कोविड का चल रहा है, है? एक पहले तो लोग यशवंत फिल्म में बोले कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, मच्छर तो फिर भी इतना बड़ा है, कोविड तो दिखता ही नहीं है, है ना, अगर वो हिजड़ा बना देता है तो ये कोविड ने तो हमें नपुंसक बना दिया, हमें क्या बना दिया वो पता ही नहीं, उसकी परिभाषा ही नहीं की जा सकती, है ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, वो भी है ना हैरान है, वो नहीं बचा पाए। तो क्या है, ये जो 8 चीज़ें हैं इससे बचना, और इससे बचने का एक ही मार्ग है, इसको मैं कंक्लूड करूँगा, है ना। भगवान 2 श्लोक बताते हैं भगवत गीता में, बोलते हैं मनमाना मद भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे भेंट करो, मुझे भोग लगाओ और मेरी पूजा करो। इससे क्या होगा, ये भगवान आपको इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, कतई नहीं, वो आत्मा राम है, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, मगर उनको आपसे प्रेम है, और वो चाहते हैं कि आप जब उनको अपने कष्टों को दोगे तो वो आपको सुख देंगे, मगर आप अपने कष्ट दोगे ही नहीं, है ना। एक प्याला है, एक प्याले में, एक बोतल में अगर शराब भरी हुई है तो उस बोतल में, और आपको अगर अमृत भरना है, उसमें जूस भरना है, तो शराब को खाली करनी पड़ेगी ना, उसके बिना तो नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं कि अपने 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 जो भी वो है दुष्कर्म है उसको निकालो, मुझे दे दो, है ना, और मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। और फिर भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम त्वम सर्व पापे पे मोक्ष इच्छामि मां सुचा। सारे धर्मों को, सारे कैटव धर्म, है ना, कोई मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं कॉरपोरेटर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये सारे जो झूठे धर्म हैं इसको त्याग के भगवान के चरणों में अपना नतमस्तक हो जाए, और जो भगवान बोले उसको करें। अर्जुन ने भी यही किया। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं, है ना, तो अभी 125 साल हो गए हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शीला प्रभुपाद के, तो पूरे विश्व में 700 मंदिर और 150 सेंटर में हरिनाम हो रहा है इस समय पे, ये हरिनाम वीक चल रहा है, तो उसी से हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो इस संकीर्तन में भाग लीजिए, कल भी हमने संकीर्तन किया, उसमें प्रभु जी को हम लेके गए और 3-4 घंटे उसमें संकीर्तन हुआ, तो आप